अस्सलाम वालेकुम जी। काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ पॉडकास्ट आपके सामने पेश करते रहते हैं, और हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको वो ख़बर दें जो ऑथेंटिक हो, और वो ख़बर दें जो ख़बर मुकम्मल तौर पे वेरीफाइड हो। पास्ट में हमने आपको ये ख़बर शेयर की थी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का सुई गैस का एनओसी हो गया है और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर गैस का कोई इशू नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत से लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि आजकल पाकिस्तान में गैस का बहरान है और नई सोसाइटीज़ या नई जगहों पे गैस नहीं मिल रही। तो इस एनओसी के ऊपर भी बहुत से लोगों का हमें ये सवाल आता था कि ये हुआ है या नहीं हुआ। आज मैं आपको ये एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये कि वो जिस एनओसी का हम जिक्र अब से कुछ महीने पहले कर रहे थे वो हो चुका है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर यानी कि इनसाइड द कैपिटल स्मार्ट सिटी जो नेटवर्क की लेइंग है, जो सुई गैस के नेटवर्क को फैलाना है, उसकी अप्रूवल भी हो गई है। तो ना सिर्फ ये कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के दरवाज़े तक या डोर स्टेप तक गैस को लाने की मंजूरी जो कि पहले ही हो चुकी है, अब उससे एक स्टेप आगे गए हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है। चूँकि जो लोग समझते हैं गैस के मामलात को कि पाकिस्तान में सुई गैस किस तरह से चलती है, वो ये समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रोजेक्ट के अंदर काम करना होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ सुई गैस का अपना अमला और सुई गैस की अपनी कंपनी ही कर सकती है। लेट मी गिव यू वन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास पहला एनओसी है कि आपकी सोसाइटी तक गैस को लेकर आना और आपकी सोसाइटी को गैस की प्रोविज़न देना, तो मेरे ख़्याल में ये आधा एनओसी है। चूँकि इसके बाद अगला एनओसी है कि आपकी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर उसकी जो नेटवर्क की लाइंग है, जो नेटवर्क को फैलाना है, जो जाल है, उसके ऊपर कब काम होगा या होगा या नहीं होगा। चूँकि पाकिस्तान के अंदर गैस के ऊपर कोई भी सोसाइटी ख़ुद काम नहीं कर सकती, अनलाइक के जैसे बाकी मामलात हैं बिजली वगैरह के, और आप उसमें ख़ुद देखते हैं कि आप अपनी बिजली अगर आपको आपके डोर स्टेप तक मिल गई है तो उसके बाद आप बहुत से मामलात अपने प्रोजेक्ट के अंदर ख़ुद कर लेते हैं। गैस के अंदर अब अगला जो एनओसी होता है वो ये होता है कि अब सोसाइटी के अंदर इनसाइड दैट प्रोजेक्ट विच इन दिस केस इज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी, क्या आपको इजाज़त होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 सितंबर को सुई गैस ने जो एनओसी इशू किया है और साथ में एक बहुत ही बड़ी रकम जो जमा करवाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी को कहा गया है, जो मुझे यकीन है कि जब तक ये मेरी वीडियो और ये पॉडकास्ट आप तक पहुँचेगा तब तक वो जमा करवा दी गई होगी, कि ये जो है अब गैस की इंटरनल इनसाइड दी कैपिटल स्मार्ट सिटी नेटवर्क के ऊपर काम करने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। और इसके लिए सुई गैस डिपार्टमेंट ने जो लेटर इशू किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब इंशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लोगों ने घर शुरू कर दिए हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत खुशी की खबर है। रिसेंटली कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी सोसाइटी के अंदर अपने घर बनाने शुरू किए हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो लोग वहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज और बिल्डिंग्स और इस तरह से मुख्तलिफ अपनी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं अनकरीब, उन सब के लिए, और जो लोग फ्यूचर में अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इन सब लोगों के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि इंशाल्लाह ताला अब जो गैस का जो एक बहुत बड़ा सवाल लोग पूछते थे उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव शक्ल में आया है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो पहले ही एक रोशन शहर है बिजली और हर किस्म की स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, अब वहाँ पर अल्लाह के फजल से गैस जैसी नेमत भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आपका कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन हो दिए गए नंबर्स पे आप डायरेक्टली हमसे राबता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।